हेलो अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप स्पीक सेल का फंक्शन अप्लाई कर सकते हो एक्सेल के ऊपर। अब देखो, ये जो स्पीक सेल का फंक्शन है वो यहाँ पे नॉर्मली लेआउट में नहीं होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। ही आपके पास ये रिबन में होगा और ना ही आपके पास जो है इसको आपने लेकर आना पड़ेगा। और कहाँ से? क्विक एक्सेस टूल बार से, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लेकर आएंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे और यहाँ पर लिखा है मोर और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है आपके पास। अब यहाँ पे आप चले जाएँ आपके डेटा, देखना पड़ेगा मुझे एक्सेसिबिलिटी एडवांस और यहाँ पे लिखा है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। सो क्विक एक्सेस टूल बार में चले गए तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कमांड्स दैट आर नॉट इन रिबन, ठीक है। ऐसे कमांड जो कि रिबन के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधा नीचे चले जाएँ तो आपके पास यहाँ पर आएगा नहीं कहीं है, ये आपके पास आ जाएगा। Let me just find it. ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्पीक सेल्स करके, ठीक है। स्पीक सेल्स करके आपके पास ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करोगे तो आप जिस भी सेल पे आप एक्टिव करोगे तो वो जो है स्पीक करेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, और ये जो आपके यहाँ पे रिबन में ऐड हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम अप्लाई करेंगे, ये रिबन से अप्लाई होगा। तो अब इसको हम जो है ओके कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इस यहाँ पे सीन ये है कि ये जो है रिबन पे आ गया है, ठीक है। ये फंक्शन जो है रिबन पे है, तो जहाँ पे मेरे माउस जा रहे हैं तो ये एक्चुअली ये रिकॉर्ड नहीं हो रही, ये वाली स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसको हम यहाँ पे एनेबल करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं So guys, this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and a laugh is